Now let's talk about the climate. The tundra is a cold and treeless place. यानी कि सबसे ठंडी जगह है और यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है. Treeless place. It is cold through all months of the year. साल के सारे महीनों में ठंड रहती है. Summer is a brief period of milder climates when the sun shines almost 24 hours a day. यानी कि समर ही एक ऐसा पीरियड है जिसमें क्लाइमेट माइल्डर रहता है और सन जो है वो शाइन करता रहता है 24 घंटे दिन के सन शाइन करता है. बोथ दी नॉर्दर्न एंड सदर्न फ्रिजिड जोन्स दे आर फार फ्रॉम दी इक्वेटर. इक्वेटर से बहुत दूर है एंड रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन इन समर. गर्मियों में कैसी रेज होती है? स्लैंटिंग. द सनलाइट इज सो वीक दैट इट इज नॉट इनफ टू वार्म द लैंड. सनलाइट रोशनी इतनी कम होती है सूरज की कि लैंड गर्म हो ही नहीं पाती. द विंटर्स आर वेरी लॉन्ग एंड टेम्परेचर्स मे ड्रॉप टू -40 degrees Celsius. विंटर्स बहुत लंबी होती हैं और टेम्परेचर कई बार तो कितना तापमान गिर जाता है नेगेटिव में -40 degrees Celsius. इन समर विच हार्डली इज एक्सटेंड फॉर 2 to 3 months द टेम्परेचर मे राइज टू 3 degrees to 12 degrees Celsius. इतना ही इंक्रीज हो पाता है. इट स्नोज कॉन्टिन्यूसली. स्नो होती रहती है एंड अ स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड ब्लोज एट ऑल टाइम्स. पूरा टाइम स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड्स ब्लो करती हैं एंड जो लैंड होता है दैट इज कवर्ड बाय आइस शीट्स एंड द ओशंस बाय आइस शेल्स. लैंड आइस शीट से कवर्ड होता है और ओशंस आइस शेल्स से. आइसबर्ग्स एंड स्नो फील्ड्स कैरेक्टराइज इट्स लैंडस्केप. इसके लैंडस्केप का कैरेक्टराइज कैसे किया जाएगा? आइसबर्ग्स एंड स्नोज के थ्रू. The sky is lit up by aurora borealis in the northern hemisphere and aurora australis in the southern hemisphere. So sky kisse lit up hota hai? Northern hemisphere mein aurora borealis and aurora australis in southern hemisphere. They are naturally occurring bright lights that are usually observed at night in the polar regions. They are caused by the collision of charged particles from the earth's atmosphere. कैसे कॉज करते हैं? इट इज कॉज बाय द कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम द अर्थ एटमॉस्फेयर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. नाउ यू कैन सी द डायग्राम एज वेल व्हिच आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल. देयर इज अ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देन वी हैव शोन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन, देन नॉर्थ टेम्परेट जोन, देन टॉरिड जोन, साउथ टेम्परेट जोन एंड साउथ फ्रिजिड जोन. एंटार्कटिक सर्कल इज देयर. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्रिजिड जोन्स ऑफ द वर्ल्ड.